चेन्नई सुपर किंग्स को सोमवार को सातवीं हार मिली, यानी टीम 70% मुकाबले हार चुकी है। यह 8 बार फाइनल खेलने वाली चेन्नई का सबसे खराब प्रदर्शन है। धोनी की कप्तानी वाली टीम 2010 और 2012 में भी 7-7 मैच हारी थी, लेकिन तब क्रमश 14 और 16 लीग मैच खेले गए थे। दिल्ली 10 में से 7 मैच जीतकर टॉप पर है, उसका प्लेऑफ में पहुंचना पक्का है। रैना सीजन से शुरू होने से पहले ही हट गए थे, मिडिल ऑर्डर में कोई भरोसेमंद खिलाड़ी नहीं था। चेन्नई ने अब तक 17 खिलाड़ियों को आजमाया है, पहले टीम 11 में काफी कम बदलाव करती थी। ड्वेन ब्रावो के चोट के कारण सिर्फ 6 मुकाबले खेल सके। चेन्नई 2010, 2011 और 2018 में खिताब जीता था। इस दौरान बल्ले से कप्तान धोनी का प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन मौजूदा सीजन में वे पूरी तरह से फेल रहे हैं। वे 9 पारियों में 164 रन ही बना सके हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 125 का रहा है। इस वजह से अब धोनी पर बड़ा सवाल उठने लगा है, क्या धोनी लीग का अगला सीजन खेलते हैं या नहीं। धोनी लीग में 200 मैच खेलने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके 39 साल के धोनी ने मौजूदा खेल को देखकर उनका अगला सीजन में उतरना मुश्किल दिख रहा है। हालांकि टीम के मालिक एन श्रीवास्तव ने हमेशा धोनी का सपोर्ट किया है।